मलाई जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत भाई। हाँ सर, आपसे 3 क्वेश्चन थे मेरे। बोलिए जी। मैम नोट कर लेंगे आप? जी, बिल्कुल। सर सर, मेरी दादी का आंखों का ऑपरेशन हो रखा है, तो उसके बाद उन्हें बहुत ही जुकाम और खांसी हो रही है, बुखार भी आ रहा है, और एक कान भी बंद हो गया उनका। उम्र कितनी है? उम्र है उनकी 65 वर्ष। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक मेरा छोटा भाई है, उसकी उम्र 11 साल है, उसके पेट में जैसी रहती है, वो 3-4 दिन बाद बाथरूम जाता है, मतलब। उम्र कितनी? 11 साल। ठीक है, हाँ। तीसरा और सवाल। एक भाई मेरा 15 साल का है, उसकी जवान लगती है बहुत ही। जबान लड़खड़ाती है। हाँ, एक दिन सर बता रहे थे कुछ, वो बादाम के तेल का नुस्खा, और फिर वो लाइट ही चले पड़ी मैम। ठीक है। ठीक है सर हाँ। जी। और देखिए, बादाम, चौथा आपसे सवाल। रिक्वेस्ट है ना सर, जी। वो आपके आपके नाम से सर फ्रॉड करते हैं लोग ना, आप एक बार लाइव शो में कह दीजिए कि ऐसे फ्रॉड ना करें, फोन करके कह रहे हैं ऐसे दवाई मंगाएंगे और आपकी आवाज, रिकॉर्डेड आवाज को एडिट करके सुना रहे हैं। ठीक है। हाँ देखिए, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे सज्जन हैं। देखिए, मेरे नाम से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मैं कभी भी किसी व्यूवर्स को डायरेक्ट फ़ोन नहीं करता। हाँ, लाइव शो के ज़रिए जैसे इस वक्त बात करता हूँ, ऐसे मैं बात करता हूँ सबके सामने। लोग मेरी रिकॉर्डिंग या मेरी आवाज़ निकालते हैं और आपसे बात करते हैं कि मैं हकीम सुलेमान बोल रहा हूँ। ऐसी कोई भी कॉल आए तो आप पुलिस कंप्लेन कर दें, और हमसे कोई मदद चाहिए किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में, तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये लोग बहुत जालिम हैं, आपको नकली दवाइयाँ पहुँचा कर और पैसे लेकर चले जाते हैं, और जब आप पार्सल खोलते हैं तो वो हमारी दवाइयाँ नहीं होती, नकली होती है, और उसमें मिट्टी भरी होती है। तो ये हम करना भी चाह रहे थे, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। और हमारा एक ही नंबर है जो आपके सामने टीवी पर नज़र आ रहा है, एक पर तो आप बात कर रहे हैं, और इसी नंबर से हम बात करते हैं। हमारा नंबर से अगर कोई बात करता है तो आप उसको ट्रू कॉलर में देख लिया करें कि वो हमारा नंबर है कि नहीं। ट्रू कॉलर में सच्ची बात बता देते हैं कि किसका नंबर है, इसके अलावा हम बात नहीं करते, और हमारे सिर्फ एक दो नंबर ही काम करते हैं जो लैंडलाइन नंबर है। और बहुत अच्छा किया कि आपने हमें भी और सबको सचेत कर दिया। अब बताइए ग्यारह सर। साल के बच्चे हैं, पेट में दिक्कत रहती है, दो दो तीन तीन दिन बाद वो मोशन के लिए जाते हैं। देखिए, एक तो ये इलाज है कि बादाम का तेल गरम दूध में मिलाकर, 2 चम्मच बादाम का तेल गरम दूध में मिलाकर पिया जाए दिन में एक बार, तो आदमी को मोशन ठीक से आ सकता है। और अगर ये नहीं आए तो ये नुस्खा उन्हें भी दे सकते हैं जो बच्चे के बारे में आपने सवाल किया है, वो हकलाते हैं, तो हकलाने वाले मरीज़ को भी ये आप रोज़ाना दे सकते हैं। और पेट के लिए एक और नुस्खा बता देता हूँ जो बहुत काम आता है। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें 100 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लीजिए। और नमक जैतून आता है एक, वो ख़रीद लीजिए, असली ख़रीदे, नकली नहीं ख़रीदे। 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर खाएं, तो पेट की और लीवर की और मैदे की और आंतों की और बवासीर की और किडनी की और चर्म रोग की बहुत सारी तकलीफें इससे जाती रहती हैं। जी। 65 साल की दादी हैं, सर्दी जुकाम खांसी है, कान भी बंद हो गए हैं। अपनी दादी को 5 लहसुन के पीस घी में तलें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तलें घी में,
और उसके बाद छीले, छील के रोज़ाना खिला दिया करें, आपकी दादी को फ़ायदा होना मुमकिन है जी।